मॉडिफाइड लॉकडाउन में गुरुवार से रोडवेज और निजी बसों का संचालन भी शुरू होने जा रहा है, लेकिन निजी बस मालिकों ने टैक्स माफी व डीजल में सब्सिडी सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर बसों के संचालन नहीं करने का फैसला लिया है। कोटा बस मालिक संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि कोरोना काल में बस मालिकों की स्थिति काफी खराब हो गई है। कई बस मालिकों के पास टैक्स व किस्त जमा कराने तक के पैसे नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक टैक्स माफ सहित अन्य मांगे पूरी नहीं होती हो जाती, तब तक निजी बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। 10 जून को बस मालिक संघ कोटा संभाग व प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन राजस्थान के पदाधिकारी परिवहन मंत्री को ज्ञापन देंगे। सत्यनारायण ने बताया कि कोटा संभाग में 20 रूट पर 750 बसों का संचालन नहीं किया जाएगा, साथ ही प्रदेश भर में निजी बसों का संचालन ठप रहेगा। साहू ने बताया कि स्टेज कैरिज बसों का 1 वर्ष का टैक्स माफी, स्टेज कैरिज बसों को रोडवेज की तर्ज पर डीजल में सब्सिडी, स्टेज कैरिज बसों का किराया 40% किराया वृद्धि, बस को सीएनजी बनाने के लिए बिना ब्याज के 1.5 लाख का लोन देने सहित अन्य मांगे हैं, वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक कोटा में निजी वाहनों का संचालन नहीं होगा। तो इस तरीके से कोटा के बस मालिक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो इसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे दोस्तों, इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा और भीड़ में मत जाइएगा। कोरोना सिर्फ कम हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है और इसीलिए आप सभी सावधानी बरतिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।